हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग ठीक होंगे आज हम पढ़ेंगे फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल रेडी स्टडी स्टार्ट क्रॉसवर्ड द पिक्चर क्लूज टू सॉल्व नो फूड ऑफ एनिमल्स होम्स एनिमल्स लिव्स इन एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स दे नीड फूड टू लिव एंड ग्रो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर ओके एनिमल्स जो होते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें फूड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए उन्हें रहने के लिए शेल्टर चाहिए होता है फूड ऑफ एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एनिमल्स लाइक हॉर्स गोट काओ एंड बफेलो ईट ग्रास एंड अदर ग्रीन प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स ओके डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और उनके डिफरेंट टाइप के फूड्स एनिमल्स जैसे कि हॉर्स काओ गोट बफेलो ये सब क्या खाते हैं

एंड स्मॉल एनिमल्स ओके बेर क्रो और स्क्विरल ये वो एनिमल्स हैं जो कि दोनों चीजें खाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स अब देखिए इंफॉर्मेशन वाइल्ड ईट्स लॉट्स ऑफ बैम्बू प्लांट्स वाइल्ड पांडाज जो होते हैं वो बैम्बू प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स लाइक लिजर्ड फ्रॉग एंड स्पाइडर इट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स लिजर्ड फ्रॉग और स्पाइडर ये जो एनिमल्स हैं ये इंसेक्ट्स और वोम्स खाते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी लिजर्ट स्मेल बाय टेस्टिंग द एयर अराउंड देम ओके लिजर्ट एयर को टेस्ट करके स्मेल करती है एनिमल्स लाइक पिजन पैरट एंड हैन ईट ग्रेन्स एनिमल्स जैसे कि पिजन पैरट और हैन ये ग्रेन्स खाते हैं एक्टिविटी वन सर्कल द राइट वन प्लांट ईटिंग एनिमल होम टू लिव इन अ होम प्रोटेक्ट देम फ्रॉम यंग वंस, फ्रॉम रेन हीट कोल्ड एंड एनिमिल्स सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स ओके एनिमल्स को भी शेल्टर की जरूरत होती है रहने के लिए शेल्टर उन्हें इसलिए चाहिए होता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट कर सके किस चीज से हीट कोल्ड एनिमल्स या फिर रेन से बर्ड्स मेक रेस्ट विद स्ट्रो ट्विंग्स एंड लीव्स। ओके बर्ड्स अपने लिए शेल्टर बनाती है ट्रीज पे ठीक है जिसको हम नेस्ट बोलते हैं बीज मेक अ हाइव मधुमक्खी अपने लिए छत्ता बनाती है स्पाइडस पिन अ वेब स्पाइडर खुद के लिए जाला बनाता है अ रैबिट मेक्स ब्यूरो रैबिट जो है खुद के लिए खड्डा खोदता है और उसमें जाके रहता है सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स कुछ एनिमल नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं जिन्हें खुद के लिए शेल्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि अ लायन लिव्स इन अ डेन लायन जो है वो एक डेन में रहता है अ फिश लिव्स इन अ वाटर फिश पानी में रहती है पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स लिव इन कोल्ड प्लेसेस पोलर बेयर और पेंगुइन्स ठंडी जगहों पर रहते हैं एन एलिफेंट लिव इन फॉरेस्ट एलिफेंट जंगल में रहता है मंकी ट्रीज़ tree. पर रहते हैं। डोमेस्टिक एंड पेट इन होम्स बिल्ड बाय अस जो हमारे पेट एनिमल्स या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो उन शेल्टर्स में रहते हैं जो शेल्टर ह्यूमंस बनाते हैं अन लिव्स इन कूप हेन कूप में रहता है अ काउ लिव्स इन शेड का शेड में रहती है अ हॉर्स लिव इन अ स्टेबल हॉर्स जो है वो स्टेबल में रहता है अ डॉग्स लिव इन अ अनल एक डॉग कैनल में रहता है एक्टिविटी टू राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर होम्स ये आप खुद से करेंगे रीड एट अ ग्लैंस डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सम एनिमल्स ईट प्लांट्स वेयर एज सम एनिमल्स हंट एंड ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स सम एनिमल्स ईट्स इंसेक्ट एंड वर्म्स सम एनिमल्स ईट ग्रेन सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स एंड लिव इन नेोमेस्टिक्स इन होम बिल्ड बाई अस की टर्म्स टू नो शेल्टर टेम्परेरी प्लेस टू लिव फॉरेस्ट अ लार्ज एरिया विद ट्रीज एंड स्मॉल प्लांट्स तो बच्चों आई होप आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे